नमस्कार दोस्तों, होम रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मलपुआ। मलपुए के लिए लगेगा हमको मैदा, थोड़ा सा गेहूं का आटा लगेगा इसमें, और घिसा हुआ नारियल, किशमिश और केला है, हमने इसको बारीक कर लिया है। केले को मसल लेना है, फिर डालना है। ये हमने घिसा हुआ नारियल डाल दिया, किशमिश डाल दिया, केले डाल दिया, और शक्कर डालेंगे, थोड़ा सा शक्कर डालेंगे और दूध डालेंगे। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह। बहुत बढ़िया बनेगा पुआ, एकदम मिठाई जैसा। और चाहेंगे तो सूजी भी थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे। बहुत देर तक इसको मिलाना है ऐसे ही, ताकि आटा हमारा फूल जाए और पुआ बनाने में तकलीफ ना हो, तावे में छिपके नहीं कढ़ाई में। तो बहुत देर तक ऐसे मिलाना है। देखिए कैसे हम मिला रहे हैं। दूध से और केले से स्वाद बढ़िया आता है, इसलिए आप कभी भी पुआ बनाए तो केला ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो पकड़ता है कढ़ाई में, थोड़ा ही डालना है। हम 5-10 मिनट तक मिक्सचर करेंगे इसको। देखिए हमारा आटा का घोल तैयार हो गया है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम है, तलने में आसानी होता है। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पुआ डालेंगे। इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएगा। थोड़ा पक गया तो धीरे धीरे इसको ऐसे करेंगे। एक तरफ से पूरा पक गया है, इसको पलट के लेंगे। ये देखिए गोल्डन हो गया, इसको मध्यम आंच पे पकाएंगे। इसको पकने में टाइम लगता है। इसको हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करके दबाते रहना है, और 2-3 बार उलट पलट करके पकाएंगे, ताकि हमारा मलपुआ कच्चा नमक रह जाए। ये हमारा पुआ पक चुका है, देखिए बारीक बारीक छेद भी दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा पक गया है। जब हम घोल को डालेंगे तो आँच कम ही करके डालेंगे, गैस को कम कर देंगे। ज़्यादा गैस करके डालेंगे तो आटा पूरा फैल जाएगा, इसके लिए कम करके डालना चाहिए। पलट लेंगे इसको ऐसे, एक एक करके पूरा आटे को हम बना लेंगे। ये देखिए हमारा मलपुआ तैयार हो गया है बन का। इसमें देखिए छिद्र दिख रहा है, सब में छेद हो गया है, अच्छी तरह पक गया है। अभी एक बार ट्राई करिए,
अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए।